हेलो फ्रेंड्स, आज आपको फिटनेस के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। लाइफ टाइम फिटनेस कैसे अचीव करें, इस वीडियो को देखकर और समझकर आप अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं आपके अच्छी फिटनेस का साधन व्यायाम से है। व्यायाम करने के लिए आप जिम या नृत्य कर सकते हैं, या घर के बगीचे या छत पर किसी पार्क या स्टेडियम में जाकर अकेले ही व्यायाम कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी फिटनेस से हमें खुशी के साथ साथ संतुष्टि का भी एहसास होता है और हम दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर महसूस करते हैं। इसलिए अच्छी फिटनेस बनाने के लिए व्यायाम करना जरूरी होता है। व्यायाम के बिना आप गहरे स्तर पर खुश नहीं रह सकते हैं, और जब आप खुश नहीं होते तो आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर गलत भावना बढ़ने लगती है और आप तनाव महसूस करने लगते हैं। तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए आपको व्यायाम के साथ साथ अपने दिमाग और समझ को बढ़ाने पर काम करना होगा, और इसकी अच्छी शुरुआत एक्सरसाइज करने से होगी, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। इससे आप अपनी समझ को बढ़ाने के लिए खुद पर अच्छे तरीके से काम करेंगे, जिससे कि आपका दिमाग सही दिशा में दौड़ने लगेगा। तो आइए जानते हैं लाइफ टाइम फिटनेस कैसे अचीव आप कर सकते हैं। तो लाइफ टाइम फिट रहने के लिए आपको लाइफ टाइम एक्सरसाइज करनी होगी, तभी आप फिट रह सकते हैं। जैसे पेट भरने के लिए खाना खाना पड़ता है, वैसे ही फिट रहने के लिए आपको हफ्ते में एक दो दिन आराम देकर एक्सरसाइज करनी होती है। अच्छे स्वस्थ और आपकी खुशी के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है, आप इसके बिना खुश नहीं रह सकते। एक अच्छी फिटनेस पाने के लिए आपको कई तरह का दर्द सहना पड़ सकता है, लेकिन एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए ऐसा करना जरूरी है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपके जीवन में खुशियां नहीं आ सकती हैं। अगर आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं करेंगे तो आपकी भावनाएँ आप पर और भी हावी हो जाएंगी। हो सकता है एक्सरसाइज करते समय आपको शुरुआत में दर्द हो, लेकिन यह दर्द आपके लिए अच्छे दर्द का काम करेगा, क्योंकि अगर आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो यह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपको एक्सरसाइज करने में भी मज़ा आने लग जाएगा, और अल्पावधि और लंबी अवधि में यह एक्सरसाइज आपको कई भयानक बीमारियों से बचाएगा। जो व्यक्ति इस रूटीन को ही अपनाता वो अंदर से हमेशा फ्रस्ट्रेटेड ही रहता है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल और फिजिकल लेवल पर धज्जियाँ उड़ी होती है। उसे शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में उसे कोई ना कोई बीमारी पकड़ ही लेती है, जिससे कि वे इसे लेकर परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति एक तो पहले से ही साइकोलॉजिकल लेवल पर परेशान रहता है, दूसरा वो फिजिकल लेवल पर बीमारी को लेकर और भी परेशान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की किसी से भी अच्छी बनती भी नहीं है, ना ही यह व्यक्ति अपने रिश्ते को अच्छा बना पाता है। वह अपने पूरे जीवन में हमेशा दुखी ही रहता है। जिस प्रकार किसी बिल्डिंग को तैयार करने के लिए प्लाट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्तर पर फिट रहने के लिए आपको व्यायाम और उचित समझ की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ फिटनेस, फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज के बारे में। एक अच्छी फिटनेस पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अच्छी फिटनेस पाने के लिए कई तरीके हैं। आप जिम जाकर अच्छी फिटनेस बना सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अच्छी फिटनेस पाने के लिए आपको जिम जाना ही पड़े। अच्छी फिटनेस पाने के लिए आपके पास कई विकल्प होते हैं, जिनके इस्तेमाल से आप अपने शरीर की मसल्स को बढ़ाकर एक अच्छी फिटनेस हासिल कर सकते हैं। आइए इन टाइप्स ऑफ फिटनेस और फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज के विकल्पों के बारे में विस्तार से जानते हैं। फिटनेस वॉकिंग, रोजाना एक घंटा पैदल चलने से आप अपने शरीर को अच्छा शेप दे सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि चलने के कई तरीके हैं। पहले आप 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे चलें, उसके बाद अपने चलने की गति बढ़ाएं, इससे आप एक अच्छी फिटनेस बना सकते हैं। फिटनेस रनिंग, जी हाँ, दौड़ने से हमारे शरीर की पूरी मांसपेशियां खुल जाती हैं, जिससे हम जो भी आहार और भोजन लेते हैं वो अच्छे से पचने से हमारे शरीर की फिटनेस अच्छी होने लगती है। स्कीपिंग फिटनेस, स्कीपिंग करने से हमारे शरीर की पूरी एक्सरसाइज होती है, हमारे शरीर की फिटनेस का स्तर बहुत अच्छा हो जाता है। स्कीपिंग करके आप अपनी फिटनेस को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे खेल हैं जिन्हें खेलकर आप अपनी फिटनेस में सुधार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं बैडमिंटन खेलना। जी हाँ, आप बैडमिंटन खेलकर अच्छी फिटनेस बना सकते हैं। इसे खेलने के कई फायदे हैं। हमारी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है, और इसे खेलने से हमारा फोकस बहुत अच्छा रहता है, और इसे खेलकर आप शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर अच्छी तरह फिट रह सकते हैं। फुटबॉल खेलना, फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसे खेलकर आप अपने शरीर को फिट और स्वस्थ बना सकते हैं। वॉलीबॉल खेलना, यह हमारे फिटनेस के लिए बहुत अच्छा खेल है, इसे खेलने से आपके हाथ बहुत मजबूत होते हैं। क्रिकेट खेलना, क्रिकेट की बात करें तो यह अपने आप में एक बहुत अच्छा खेल है, यह हमारे फिटनेस के स्तर को बढ़ाता है। बास्केटबॉल खेलना, यह एक ऐसा खेल है जिसे खेलकर आप अपनी फिटनेस के साथ साथ अपनी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। इसे खेलने से आपका दिमाग स्थिर और शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहता है।
निष्कर्ष है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि खेल क्या है। आप जिस खेल को खेलना पसंद करते हैं उसमें मजे आने के साथ साथ आपका ध्यान भी सही दिशा में जाने लगता है। अपने पसंदीदा खेल खेलने से जीवन काफी हद तक तनाव मुक्त हो जाता है और आपका पूरा दिन अच्छा बीतने लगता है। खेलने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।